हेलो फ्रेंड्स, चैनल के रोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेल्ट्रोन एग्ज़ाम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूँगा। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो जितने भी कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये रिपीट किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस है जो कि कोई भी एग्ज़ाम में जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सारा एग्ज़ाम ओवरव्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और यह जो आज का वीडियो होगा यह पार्ट वन के रूप में होगा, और इसे मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आपके लिए लाऊं। और इसमें है जो कि आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, और इस तरह के वीडियो है जो कि मैं बहुत सारा आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज का यह पहला वीडियो है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर थ्योरी इज समराइज्ड बाई विच लॉ। क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर थ्योरी को अगर इम्प्रूव करना है तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा लॉ से है जो कि इसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, मेटकाल्फ लॉ, दूसरा ऑप्शन है विल्स लॉ, तीसरा ऑप्शन है मूरेज फर्स्ट लॉ, चौथा ऑप्शन है ग्रुप्स लॉ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज कर आप कॉमेंट बॉक्स में पहले कॉमेंट कर सकते हैं और मुझे बतला सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो इसका क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ओवरव्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चंस का उत्तर दें कि इस क्वेश्चंस का कौन सा उत्तर होगा। यह चार ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मूरेज लॉ। यानी कि हम लोग मूरेज फर्स्ट लॉ से है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर थ्योरी को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो पहला का उत्तर हो गया सी। देखिए यह जो टिक लगाए हैं वो हरा दिखाई दे रहा है। अगर यह क्वेश्चन अगर हम ए बी चाहे सी में चाहे डी में लगाते तो यह गलत दिखाता, यानी कि यहाँ पे रेड कलर से क्रॉस हो जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर डिवाइस इज, मतलब कि कह रहा है कंप्यूटर डिवाइस वह कौन सा है जो कि मोस्ट वाइडली यूज में लिया जाता है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सॉलिड स्टेट डिस्क, दूसरा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तीसरा है इंटरनल हार्ड डिस्क, चौथा है माउस। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि सी हो जाएगा, इंटरनल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क से हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली वाइडली कंप्यूटर डिवाइस को हम लोग प्रयोग में लेते हैं। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा सी, इंटरनल हार्ड डिस्क। आज का तीसरा क्वेश्चन है, डैश 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 आर सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू पार्टिकुलर टास्क। यानी यहाँ पे है जो कि डैश दिया गया है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, सी में है डाटा, डी में है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो कि यहाँ पे भरा है जो कि है आर सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू पार्टिकुलर टास्क। यहाँ पे कौन सा चीज़ भरा है जो कि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम लोग कुछ पार्टिकुलर टास्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम से है जो कि सब कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग है जो कि कुछ पार्टिकुलर टास्क वहाँ पे कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी। यह आपके बेल्ट्रोन एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर्स में जितने भी बेल्ट्रोन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में करा रहा हूँ, और 10 क्वेश्चन कराऊंगा। वह दसों के दसों क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम ओवरव्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा का उत्तर हो गया बी, प्रोग्राम। आज का अगला क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर्स कौन है। तो इसमें आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है अब्राहम लिंकन, दूसरा है जेम्स पोस्लिंग, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, या चौथा है जॉर्डन ई मूरे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स
कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज। यह जो है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, चार्ल्स बैबेज को हम लोग बोलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वी हैव, यानी कि अभी तक है जो कि कितने जनरेशन है हमारे लिए कंप्यूटर्स के लिए, मतलब है कि अभी तक जो कंप्यूटर आ रहे हैं मार्केट में वो कितने जनरेशन तक अभी तक आ रहे हैं। तो आपका उत्तर दिया गया यहाँ पे, चार ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है 4। इसका उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग अभी तक 5th जनरेशन सब कंप्यूटर का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। तो पांचवा का उत्तर हो गया सी, 5। आज का अगला क्वेश्चन है छठा, डैश 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 कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम्स फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर्स। तो इसका ऑप्शन आपका दिया गया है, चार ऑप्शन है, पहला है द ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है द मदरबोर्ड, तीसरा है द प्लेटफॉर्म, चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा छठा का क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर है जो कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर्स सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड्स मीन्स विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसका उत्तर हो जाएगा इसका पहला, द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो कि हमारे सिस्टम का जो भी फंक्शंस होता है वो कंट्रोल होता है। आज का अगला क्वेश्चन है सातवां, द डिफरेंस बिटवीन पीपुल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द, इसमें कौन सा होगा? पहला है डिजिटल डिवाइड, दूसरा है इंटरनेट डिवाइड, तीसरा है साइबर वे डिवाइड, चौथा है वेब डिवाइड। इसका आपको उत्तर बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम ओव्यू से। तो सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड। तो 7 का उत्तर है ए, डिजिटल डिवाइड। आज का अगला क्वेश्चन है आठवां, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑप्शन होगा जो कि रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट का है। तो आपको बताना है, पहला है वायरसेस, दूसरा है हैकर्स, तीसरा है स्पैम, चौथा है आइडेंटिफाई थेफ्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्पैम्स। स्पैम्स है जो कि एक एग्जांपल है जो कि रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट का। आज का अगला क्वेश्चन है नौमा, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू, यानी कि टर्म पेंटियम क्या चीज़ से रिलेटेड है। यह चार ऑप्शन आपका दिया गया है और इसमें बतलाना है आपको कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि द टर्म पेंटिनम है जो कि रिलेटेड है। तो नौमा का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर है जो कि टर्म पेंटिनम से रिलेटेड है। तो आज का अगला क्वेश्चन है दसवां और यह लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? तो पहला है हेड टेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉटर और चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉट। तो आप बताइए कि इनमें से इसका उत्तर कौन सा होगा जो कि HTTP का फुल फॉर्म है। तो आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी HTTP का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट किया जाता है और बेल्ट्रॉन जैसा एग्जाम में यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें है जो कि HTTP का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यह भी है जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बेल्ट्रॉन्स एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो भी आई था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। यह जो 10 क्वेश्चन है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा बेल्ट्रॉन का उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप इसे देखना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बहुत सारा बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।